नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ आंवले का मुरब्बा। ये खाने में बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। देखिए मैंने इस रेसिपी में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर आंवला लिया है, आंवले का मुरब्बा जिसको बोलते हैं। मुरब्बा कई तरह से बनाया जाता है, साबुत भी बनाया जाता है और उसमें थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है। और तो मैं यहाँ पर इंस्टेंट बना रही हूँ जिसको आप साथ के साथ बनाकर तुरंत आप खा सकते हैं। 15 से 20 मिनट का वक्त इसमें लगता है। तो यहाँ मैंने आंवला को थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दिया है और इसके हम फांके निकाल लेंगे और मिक्सर जार में हम इसको पीस लेंगे। आप चाहें तो इसको कद्दूकस से ग्रेट भी कर सकते हैं, तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कद्दूकस से ग्रेट किया जाए, लेकिन मिक्सी में फटाफट से हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक चीनी ली है, ये देखिए एक छोटा सा बाउल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अपने टेस्ट के अनुसार लेना है आपको। और ये गुड़ लिया है, गुड़ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप चाहें तो पूरा गुड़ भी ले सकते हैं, लेकिन चीनी मैंने ली है थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए। और ये मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर और ये है गरम मसाला थोड़ा सा और थोड़ी सी लाल मिर्ची, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। मेन आपको देखना है कि हमारी चीनी और मीठा कितना आप पसंद करते हैं, उतना ही आप डालिए। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये साथ के साथ हम इसको खा सकते हैं। इसमें यह नहीं कि जैसे साबुत आंवले का मुरब्बा हम बनाते हैं तो उसमें मिठास एकदम से नहीं आता, कुछ लोगों का तो दो दो महीने भी मीठा नहीं बनता है, तो उस और फिर खाने में भी दिक्कत होती है। मैं खुद इसका एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि उसको सोचो कि इसको खाएंगे बैठेंगे, उसको अलग से लेकर के फाके खाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत सी होती है मुझे तो, और हमारे बच्चों को भी। तो मैंने तो ये अब उबाल करके इसका जैसे मीठा आम का अचार बनाते हैं ना, चंदा जिसको बोलते हैं, उसी तरह से हमने बनाया है। ये मैंने बनाया हुआ है और ये मेरी शीशी खाली भी हो गई है, ये वीडियो मैं दोबारा बना रही हूँ और ये हम खा चुके हैं। ये तो देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो वीडियो बनाते बनाते ही ये हमारी शीशी पूरी खाली हो गई है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा और तुरंत हम इसको खा सकते हैं। और ज़्यादा बारीक पीसेंगे तो इसको हम जैम की तरह भी बच्चों को खिला सकते हैं, इसको छोटे बच्चे भी खा सकते हैं, एक इस चीज़ का ये भी फायदा होता है। और जो साबुत मुरब्बा होता है छोटे बच्चे नहीं खा पाएंगे, अगर आपको बच्चों को खिलाना है सर्दी में ये बहुत अच्छी चीज़ है, बालों के लिए स्किन के लिए बहुत फ़ायदा करती है, तो छोटे बड़े सभी को इन चीज़ों की आजकल ज़रूरत होती है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही सामान लगना है, ना घी की ज़रूरत है ना तेल की ज़रूरत है, तो ये हम इंस्टेंट हम खा सकते हैं। और खाने के साथ एक चम्मच हम खा लें या कभी भी जब आपका मन करे तब आप खा सकते हैं। तो चलिए मैं ये छील करके और थोड़ा सा पानी अभी गर्म है और इसको फाँके निकाल करके मैं इसकी आसानी से निकल जाती है इसकी फाँके, ऐसी दिक्कत की बात नहीं है ये देखिए। और इसको हम मिक्सर जार में सारी डाल लेते हैं और कुठलियाँ हटा देंगे। ये तो मिक्सी में पीसना ही ज़्यादा सही लगा क्योंकि वो भी मैंने पीस करके बनाया है, अगर आपको लच्छा पसंद है तो आप कद्दूकस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसे इंस्टेंट बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है और ना खाने में कोई दिक्कत होती है। जिन लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा कड़वा बन गया, तो उनकी ये शिकायत इस वीडियो को देख करके दूर हो जाएगी। और दोस्तों एक बात और है कि अगर आपका पुराना कोई अचार ऐसा है कि आंवले का मुरब्बा आपको कड़वा लगता है, तो आप उस मुरब्बे का भी ये चूर्ण बना सकते हैं, उसका भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ये नहीं कि आपको फ्रेश आंवला ही लेना है, आप उस पुराने आंवले के अचार को भी आप ठीक करके आप इसको बना सकते हैं। अब इसी में हम ये चीज़ें डाल देंगे सारी, कढ़ाई में मिर्ची डाल दिए, गरम मसाला डाल दिया क्योंकि फिर हमें गैस की तरफ जाना है, ये काली मिर्ची डाल दी है फ्लेवर के लिए। और थोड़ा सा हम डालेंगे काला नमक, ये काला नमक हमने डाल दिया। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसी में हम डाल देंगे चीनी, इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसी में हम डाल देंगे गुड़, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब चलते हैं हम गैस की तरफ, इतना काम हमारा यहाँ हो गया। पर इस कढ़ाई को मैंने यहाँ गैस पर रख दिया है और फ्लेम हमने रखी है मीडियम, मीडियम फ्लेम पर हम चलाते हुए इसको पकाएंगे और तब तक मीडियम फ्लेम रखनी है जब तक कि हमारी चीनी और गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता। इसको लगातार चलाना है, इसको रोकना नहीं है, मीडियम फ्लेम पर देखते रहिए
जैसे जैसे हमारी चीनी भी मेल्ट होने लगी है, गुड़ भी मेल्ट होने लगा है। थोड़ी देर बाद ये पूरी चीनी और गुड़ मेल्ट हो जाएगा और पानी छोड़ देगा। इसी हमारी चीनी पानी छोड़ती है, देखिए थोड़ा सा ही पतला ज़्यादा हो जाता है आंवले में डालने के बाद। अब इसके बाद हमें हाई फ्लेम पर इसको पकाना है। हाई फ्लेम कर दिए गैस की और इसको लगातार चलाते हुए पकाना है, क्योंकि इसके पानी को हमारे जलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी नहीं आता है और फिर ये लिक्विड ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको हम लगातार चलाते हुए कढ़ाई में पकाएंगे ताकि जले ना, जलने के कारण इसका स्वाद खराब हो जाएगा, इसलिए जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और इसका कलर भी खराब हो जाएगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे पानी इसका ख़त्म होता जा रहा है और इसमें एक बाइंडिंग सी आती जाएगी और कढ़ाई को ये छोड़ना शुरू कर देता है। तो इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और हमारा आंवले का चुंदा, आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले की चटनी, कुछ भी आप जो नाम देना चाहते हैं वो दीजिए, हमारा तैयार है खाने के लिए। और ये खाने में बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है, इसको हम तुरंत खा सकते हैं, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। आप बना के देखिए और उसके बाद फिर आप मेरे को बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू ईयर सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा ताकि अगली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके, और उसके लिए बेल आइकन को दबाते हुए जरूर जाइएगा।